नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 23 जनवरी 2019। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। नज़र डाल लेते हैं कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला आर्टिकल यहाँ पे इन्फ्लेशन के बारे में है। बताया गया है आर्टिकल में दिसंबर के महीने में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI जो है वो रहा 2.19%। ये पिछले 18 महीने के लो पर है। और WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स ये रहा 3.8%। ये अपने पिछले 8 महीनों के लो पर है। इतनी कम इन्फ्लेशन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने नहीं एक्सपेक्ट की थी। तो MPC यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पर अब ये प्रेशर होगा कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको थोड़ा ईज डाउन किया जाए, यानी इंटरेस्ट रेट्स को कम किया जाए। खबरें ये भी आ रही हैं कि पिछले क्वार्टर में जो ग्रोथ रेट है वो स्लो डाउन हुई है। तो MPC कमेटी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को बूस्ट करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स थोड़ा कम कर सकती है, लेकिन देखना होगा क्या रुख अपनाया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा। ये सब बातें देखो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब तक आप मेंस का एग्ज़ाम लिखोगे तब तक तो कई सारे क्वार्टर्स टप जाएंगे, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाएगी। तो इनके बारे में UPSC क्वेश्चन नहीं पूछती है कि दिसंबर के महीने में इन्फ्लेशन कितनी रही। बड़े ट्रेंड पूछे जाते हैं UPSC के द्वारा। पिछले 10 सालों में इन्फ्लेशन कम हुई है, ज़्यादा हुई है, पिछले 5 सालों में क्या ट्रेंड रहा है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नीचे ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट नहीं है, ये USA की अंदरूनी राजनीति से संबंधित है। बीच में ये बड़ा आर्टिकल वाटर स्कैरसिटी से संबंधित है, डिस्कस करेंगे। और नीचे ये आर्टिकल कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2018 के बारे में है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये इशू है। एक आर्टिकल हमने कोस्टल रेगुलेशन जोन से संबंधित डिस्कस किया था, और 3 जनवरी 2019 को जो आर्टिकल आया था कोस्टल रेगुलेशन जोन से संबंधित, उसे भी हम आज के डिस्कशन में ऐड करेंगे। ये इशू देखो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है कोस्टल रेगुलेशन जोन वाला, क्योंकि इसमें डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आज के डिस्कशन से ये पूरा जो इशू है वो क्लियर हो जाएगा। इसे हम कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से कवर करेंगे। और यहाँ पे ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट नहीं है, राजनीति से संबंधित ये आर्टिकल है, नहीं डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट आर्टिकल कोस्टल रेगुलेशन जोन रूल्स 2018 के बारे में है। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बिल्कुल बेसिक्स से हम शुरुआत करते हैं। आप सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, कोस्टल रेगुलेशन जोन का मतलब क्या है। हम कोस्टल रेगुलेशन जोन रूल्स 2018 डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको मतलब पता होना चाहिए कोस्टल रेगुलेशन जोन का। देखो 1991 से पहले देश के कोस्टल एरियाज में एकदम से बेहिसाब डेवलपमेंट एक्टिविटीज होने लगी थी, कोस्टल इकोलॉजी पर बहुत बुरा असर पड़ने लगा था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा नहीं भाई नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, कोस्टल एरियाज में इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो उन्होंने 1991 में कोस्टल एरियाज को रेगुलेट करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी की, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत। इस नोटिफिकेशन में कहा गया, मान लीजिए ये समुद्र है, ये है लो टाइड लाइन और यहां पे है हाई टाइड लाइन। हाई टाइड लाइन और लो टाइड लाइन का मतलब क्या है। लो टाइड लाइन का मतलब देखो ये है, पानी इससे पीछे नहीं जाएगा समुद्र के किनारे पर। समुद्र का पानी आपको पता है बीच पे आगे पीछे होता रहता है, इस लाइन से पीछे समुद्र का पानी नहीं जाएगा। और हाई टाइड लाइन का मतलब यह है इस लाइन से आगे समुद्र का पानी नहीं जाएगा, यहां पे पानी नहीं आएगा। यह हाईएस्ट लाइन है जहां तक सी का पानी पहुंचेगा, और यह लोएस्ट लाइन है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि सी का पानी इससे पीछे चला जाएगा, यानी यहां पे कभी भी लैंड एरिया नहीं दिखेगा, पानी रहेगा ही रहेगा यहां तक। समझ गए? तो यह मतलब हमने समझ लिया हाई टाइड लाइन का और लो टाइड लाइन का। अब फिर से आते हैं कोस्टल रेगुलेशन जोन की डेफिनेशन की तरफ। तो 1991 में जारी की गई नोटिफिकेशन में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा कहा गया, हाई टाइड लाइन से लेके 500 मीटर आगे तक का जो एरिया है, मान लीजिए ये हाई टाइड लाइन है समुद्र पे, और इसके आगे 500 मीटर तक का जो एरिया है ये कहलाएगा कोस्टल जोन। इसके अंदर जो भी एक्टिविटीज होंगी उन एक्टिविटीज को रेगुलेट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा हो रही थी और इकोलॉजी को नुकसान पहुंच रहा था, तो इसी वजह से ये नोटिफिकेशन फाइल की गई थी 1991 में कि हाई टाइड लाइन से लेके
आगे तक 500 मीटर तक का जो एरिया है वो कहलाएगा कोस्टल जोन और इसे रेगुलेट किया जाएगा, यानी ये होगा कोस्टल रेगुलेशन जोन। और अगर देखो कोई क्रीक है, नदी है, एस्टुरी है, बैकवाटर है, तो इन सब चीज़ों के किनारे से लेके 100 मीटर आगे तक का एरिया होगा कोस्टल रेगुलेशन जोन। समझ गए? मतलब क्रीक्स, बैकवाटर, एस्टुरीज, इनके किनारे से लेके आगे 100 मीटर तक का एरिया आएगा कोस्टल रेगुलेशन जोन के अंदर। अब देखो, आपको इतना तो पता लग गया कि कोस्टल रेगुलेशन जोन है क्या। तो कोस्टल रेगुलेशन जोन में एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा अपनी नोटिफिकेशन में कोस्टल रेगुलेशन जोन को फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया। कोस्टल रेगुलेशन जोन 1, कोस्टल रेगुलेशन जोन 2, कोस्टल रेगुलेशन जोन 3 और कोस्टल रेगुलेशन जोन 4। कोस्टल रेगुलेशन जोन 1 वो है जिसमें इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज आते हैं, फॉर एग्जांपल मैनग्रोव्स, कोरल रीफ्स, साल्ट मार्शेस, टर्टल जहाँ पे आते हैं, नेस्टिंग करते हैं, इंटरटाइडल जोन्स, ये सब एरियाज आते हैं कोस्टल रेगुलेशन जोन 1 के अंदर। अब बात करें कोस्टल रेगुलेशन जोन 2 की। ये देखो वो एरिया है जो समुद्र तट के नज़दीक है, रिलेटिवली डेवलप्ड है, आप इसे अर्बन एरिया कह सकते हो। नेक्स्ट कोस्टल रेगुलेशन जोन 3, ये देखो वो कोस्टल एरिया है जो समुद्र तट के नज़दीक है, यानी हाई टाइड लाइन से लेके 500 मीटर के अंदर आता है, लेकिन रिलेटिवली ज़्यादा बिल्डअप नहीं है, आप रूरल कोस्टल एरिया इसे कह सकते हो। सबसे लास्ट में कोस्टल रेगुलेशन जोन 4, मान लीजिए ये समुद्र है और यहाँ पे लो टाइड लाइन है, यानी इससे पीछे समुद्र का पानी नहीं जाएगा, तो आगे 12 नोटिकल माइल्स तक का जो एरिया है, यानी इंडिया की टेरिटोरियल वाटर की जो लिमिट है, वो एरिया आता है कोस्टल रेगुलेशन जोन 4 के अंदर। समझ गए अब आप कैसे कोस्टल रेगुलेशन जोन को फर्दर क्लासिफाई किया गया इस जोन में एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए। अब देखो, आप ये समझने की कोशिश कीजिए, इन कोस्टल जोन्स के अंदर, 4 ये जो कोस्टल जोन्स हमने डिस्कस किए, इन कोस्टल जोन्स के अंदर एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए समय समय पर सरकार नोटिफिकेशन जारी करती रहती है, रूल बनाती रहती है। जैसे जो ये कोस्टल रेगुलेशन जोन 1 है जिसमें इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया आते हैं, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स, क्या इन एरियाज में टॉयलेट फैसिलिटी को इस्टाब्लिश किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है, रिसोर्स के द्वारा कुर्सी वगैरह बिछाई जा सकती है या फिर नहीं बिछाई जा सकती है, कोस्टल रेगुलेशन जोन 2 में जो एरिया आता है कहाँ तक कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है, किया जा सकता है तो लाइसेंस किससे लेना पड़ेगा, यानी इन 4 जोन्स के अंदर एक्टिविटीज़ कौन सी अलाउ हैं, कौन सी नहीं हैं, अगर हैं तो किससे लाइसेंस लेना पड़ेगा, उन सब के लिए रूल्स बनाती रहती हैं सरकार समय समय पर। और अंतिम जो रूल्स बनाए गए थे वो बनाए गए थे 2011 में, जिनका नाम है कोस्टल रेगुलेशन जोन रूल्स 2011। हुआ क्या, स्टेट गवर्नमेंट्स की शिकायतें आ रही थी, यानी कोस्टल एरिया वाले स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सब की शिकायतें आ रही थी कि भैया 2011 के जो कोस्टल रेगुलेशन जोन रूल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, यानी कोस्टल एरियाज़ को बचाने के चक्कर में आपने रूल्स इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना दिए कि कोस्टल एरियाज़ की जो इकोनमी है वो प्रभावित हो रही है, जबकि स्कोप बहुत ज़्यादा है, बहुत पैसा कमाया जा सकता है, अच्छे से कोस्टल एरियाज़ को डेवलप भी किया जा सकता है, इसलिए 2011 के जो कोस्टल रेगुलेशन जोन रूल्स हैं उनको थोड़ा लिबरल बनाइए, इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं चाहिए हमें। तो गवर्नमेंट ने एक शैलेश नायक कमेटी गठित की। शैलेश नायक कमेटी को बोला गया कि आप बताइए जी, 2011 के कोस्टल रेगुलेशन जोन रूल्स जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कहा जाता है, जो ज़्यादा ही इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बिल्कुल नहीं हो पा रही हैं, क्या उन रूल्स में चेंज करने की आवश्यकता है या नहीं है। तो शैलेश नायक कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस दी, उन्होंने कहा कि हाँ, चेंज तो जी होना चाहिए। तो शैलेश नायक कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने नए रूल्स बनाए हैं इन कोस्टल रेगुलेशन जोन्स में एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए। तो आरोप ये लगता है नए रूल्स जो सरकार लेके आई है, कोस्टल रेगुलेशन जोन्स रूल 2018, ये रूल्स कोस्टल एरियाज में टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, रियल एस्टेट को प्रमोट करते हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करते हैं, इससे
ना सिर्फ कोस्टल एरियाज की इकोलॉजी प्रभावित होगी बल्कि फिशरमैन जो मछुआरों के इंटरेस्ट हैं वो भी प्रभावित होंगे। तो हम अब डिटेल से डिस्कस करते हैं कोस्टल रेगुलेशन जोन रूल्स 2018 हैं क्या और कैसे वो अलग हैं कोस्टल रेगुलेशन जोन रूल्स 2011 से। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चेंज देखो, कोस्टल रेगुलेशन जोन रूल्स 2011 के अनुसार कोई भी कोस्टल रेगुलेशन जोन हो, CRZ1, CRZ2, 3, 4, कोई भी जोन हो, किसी प्रोजेक्ट के लिए क्लीयरेंस लेना हो, क्लीयरेंस लेना पड़ता था मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट से। लेकिन जो नए रूल्स आए हैं 2018 के, इन रूल्स के अकॉर्डिंग अब सिर्फ कोस्टल रेगुलेशन जोन 1 और कोस्टल रेगुलेशन जोन 4, इनमें कोई प्रोजेक्ट इस्टाब्लिश होना हो तो क्लीयरेंस लेना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट से। जबकि कोस्टल रेगुलेशन जोन 2 और कोस्टल रेगुलेशन जोन 3, इन दोनों में अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए क्लीयरेंस लेना हो तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट से लेने की आवश्यकता नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट से क्लीयरेंस लेना पड़ेगा। यानी क्लीयरेंस देने की जो पावर है उसे अब डेलीगेट कर दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट्स को। समझ गए, सिंपल पॉइंट है। पहले हर एक रेगुलेशन जोन में कोई प्रोजेक्ट के लिए क्लीयरेंस लेना पड़ता था मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट से, अब सिर्फ कोस्टल रेगुलेशन जोन 1 और 4 में प्रोजेक्ट के लिए क्लीयरेंस लेना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट से, बाकी कोस्टल रेगुलेशन जोन 2 और 3 में प्रोजेक्ट के लिए क्लीयरेंस लेना हो तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट से लेने की आवश्यकता नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट से सिर्फ क्लीयरेंस लेने से काम चल जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे बड़े चेंज की। 2018 के रूल्स में कोस्टल रेगुलेशन जोन 3 को फर्दर सब कैटेगराइज किया गया है। पहले सिर्फ होता था कोस्टल रेगुलेशन जोन 3, लेकिन 2018 के रूल्स के बाद इस जोन को भी दो पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया गया है, कोस्टल रेगुलेशन जोन 3A और कोस्टल रेगुलेशन जोन 3B। अब ए कौन सा एरिया है, बी कौन सा एरिया है, उसको भी डिफाइन किया गया है। देखो, कोस्टल रेगुलेशन जोन 3 आपको पता है रूरल कोस्टल एरिया। इस एरिया में 2011 के रूल्स के अकॉर्डिंग क्या हुआ करता था, मान लीजिए ये समुद्र है और ये है हाई टाइड लाइन। हाई टाइड लाइन से लेके 200 मीटर तक का जो एरिया है ये नो डेवलपमेंट जोन, इस जोन में कोई डेवलपमेंट नहीं होगी कोस्टल रेगुलेशन जोन 3 में। लेकिन अब क्या किया गया है, अब सरकार ने कोस्टल रेगुलेशन जोन 3 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कोस्टल रेगुलेशन जोन 3A वो एरिया है जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी 2161 पर स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है। सरकार कहती है देखो ये एरिया तो नाम नाम का रूरल कोस्टल एरिया है, डेंसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है तो ये काइंड ऑफ अब अर्बन एरिया बन चुका है। तो कोस्टल रेगुलेशन जोन 3A वो एरिया है जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी 2161 पर स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है। इस एरिया में हाई टाइड लाइन से लेके 50 मीटर तक का जो एरिया है यहां पे कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी नहीं होगी। यानी कि जो लिमिट है नो डेवलपमेंट जोन की वो रिड्यूस कर दी गई है कोस्टल रेगुलेशन जोन 3 के अंदर उस एरिया में जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी 2161 पर स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा है। इस एरिया को कहा जाता है कोस्टल रेगुलेशन जोन 3A। तो नो डेवलपमेंट जोन की जो लिमिट है वो रिड्यूस कर दी गई है। पहले हाई टाइड लाइन से लेके 200 मीटर थी लेकिन अब 50 मीटर रह गई है, इसीलिए जो एक्टिविस्ट हैं वो विरोध कर रहे हैं। और कोस्टल रेगुलेशन जोन 3B, ये देखो वो एरिया है कोस्टल रेगुलेशन जोन 3 के अंदर जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी 2161 पर स्क्वायर किलोमीटर से कम है। यानी पर स्क्वायर किलोमीटर 2161 से कम लोग रहते हैं इस एरिया में, और ये एरिया है कोस्टल रेगुलेशन जोन 3B। इस एरिया में नो डेवलपमेंट जोन वही होगा जो 2011 के रूल्स के अकॉर्डिंग था, हाई टाइड लाइन से लेके 200 मीटर आगे तक। समझ गए, तो ये सब कैटेगराइज किया गया है कोस्टल रेगुलेशन जोन 3 को। अब बात करते हैं तीसरे बड़े चेंज की। देखो 2011 के कोस्टल रेगुलेशन जोन रूल्स में कोस्टल रेगुलेशन जोन 2 में ये जो जोन है CRZ 2, ये है अर्बन कोस्टल एरिया। यहां पर फ्लोर एरिया रेशो को फ्रीज कर दिया गया था। यहां पर देखो 2011 की नोटिफिकेशन में CRZ 2 के अंदर फ्लोर एरिया रेशो को फ्रीज कर दिया गया था 1991 की डेवलपमेंटल कंट्रोल रेगुलेशन लेवल्स के हिसाब से। लेकिन
इसे अब डीफ्रीज कर दिया गया है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि ये फ्लोर एरिया रेशियो है क्या चीज, तो देख लेते हैं। फ्लोर एरिया रेशियो का मतलब है टोटल कवर्ड एरिया ऑफ ऑल फ्लोर्स डिवाइडेड बाय प्लॉट एरिया। मान लीजिए प्लॉट का एरिया है 4 यूनिट और ऊपर एक के बाद एक 4 फ्लोर बना दिए, टोटल कवर्ड एरिया ऑफ ऑल फ्लोर्स कितना हो जाएगा? 4 फ्लोर बनाए हैं और सेम साइज के बनाए हैं जितने का प्लॉट है, तो 4 + 4 + 4 + 4 हर एक फ्लोर का सेम एरिया, तो टोटल कवर्ड एरिया ऑफ ऑल फ्लोर्स हो जाएगा 16 और प्लॉट का एरिया है 4, तो फ्लोर एरिया रेशो कितना हो गया? 4:1। तो इस रेशो को फ्रीज कर दिया गया था 2011 के रूल्स में, यानी बिल्डिंग्स और ज़्यादा ऊंची नहीं हो सकती थी, जितना रेशो था उतना ही रहेगा ये बोला गया था। लेकिन अब इसे डीफ्रीज कर दिया गया है, मतलब बिल्डिंग और ऊंची हो सकेंगी, रियल एस्टेट की जो एक्टिविटीज़ हैं वो और ज़्यादा बढ़ेंगी कोस्टल रेगुलेशन जोन सेकंड में, और अगर रियल एस्टेट की एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी तो कोस्टल इकोलॉजी को नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ऐसा बोलना है एक्टिविस्ट का। अब देखो मेन जो चेंजेस किए गए हैं कोस्टल रेगुलेशन जोन रूल्स 2018 में, उनको तो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन छोटे छोटे कुछ और चेंजेस भी हैं। जैसे CRZ 2018 की नोटिफिकेशन के अनुसार बीच पे कुछ टेम्परेरी टूरिज्म फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सकेंगी, जैसे ड्रिंकिंग फैसिलिटी या फिर टॉयलेट ब्लॉक्स को इस्टेब्लिश किया जाएगा, ये सब अलाउ किया गया है ताकि टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके। इसके बाद आइलैंड कंजर्वेशन, आइलैंड्स को कंजर्व करने के लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि मेनलैंड के नज़दीक जो आइलैंड्स हैं उनके लिए 20 मीटर का नो डेवलपमेंट जोन अनिवार्य होगा। नेक्स्ट इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया कंजर्वेशन, देखो CRZ 1 में जो एरिया आते हैं कौन कौन से, मैनग्रोव्स, कोरल रीफ्स, सोल्ट मार्सिस, टर्टल नेस्टिंग ग्राउंड, इन सब को कंजर्व करने के लिए कुछ स्पेशल गाइडलाइंस जारी की गई हैं 2018 के कोस्टल रेगुलेशन जोन रूल्स में। और सबसे लास्ट में पोल्यूशन एबेटमेंट, कोस्टल रेगुलेशन जोन्स में पोल्यूशन को एड्रेस करने के लिए यहाँ पर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज इस्टाब्लिश की जा सकेंगी, यानी वेस्ट को ट्रीट करने के प्लांट यहाँ पर इस्टाब्लिश किए जा सकेंगे, ताकि बहुत ज़्यादा जो पोल्यूशन होता है कोस्टल एरिया में उसे एड्रेस किया जा सके। तो ये कुछ और चेंजेस हैं। इस प्रकार से हमने कोस्टल रेगुलेशन जोन 2018 के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर ली है। अच्छा एक बात बताइए, अब UPSC अगर ये पूछती है कि फ़ायदे क्या हैं कोस्टल रेगुलेशन जोन 2018 नोटिफिकेशन के, तो आप लिख सकते हो, काफ़ी आसान है, आप बता सकते हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ेगी इस रीजन की, डेवलपमेंट आएगा, ट्रीटमेंट फैसिलिटीज अलाउ की गई हैं तो पोल्यूशन कम होगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, और आइलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर कोस्टल रेगुलेशन जोन 1 के अंदर जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया आते हैं उनको कंजर्व करने के लिए स्पेशल गाइडलाइंस जारी की जा सकती है, तो इससे इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज का कंजर्वेशन अच्छे से होगा, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो। अब बात करते हैं कंसर्न्स की, कोस्टल रेगुलेशन जोन 2018 के संदर्भ में क्या कंसर्न्स व्यक्त किए जा रहे हैं एक्टिविस्ट के द्वारा। सबसे पहला कंसर्न, देखो क्लाइमेट चेंज काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और जो सी लेवल है वो बढ़ रहा है, कोस्टल एरियाज पहले के अपेक्षाकृत आज मोर वल्नरेबल हैं, हाल ही में काफ़ी सारे साइक्लोन भी आए हैं इंडिया में, तो उन सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए, उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के कोस्टल रेगुलेशन जोन 2018 की नोटिफिकेशन नहीं जारी की गई है, यानी क्लाइमेट चेंज के एंगल को जगह नहीं दी गई है 2018 के कोस्टल रेगुलेशन जोन रूल्स में। नेक्स्ट पॉइंट हैजार्ड लाइन से संबंधित है। देखो वेस्टर्न कंट्रीज में एक कंसेप्ट हुआ करता है, मान लीजिए ये समुद्र है और लो टाइड लाइन हाई टाइड लाइन के बारे में हमने शुरुआत में डिस्कस किया था, लेकिन हाई टाइड लाइन के नज़दीक या फिर थोड़ी सी आगे एक और हैजार्ड लाइन का डिमार्केशन होता है वेस्टर्न कंट्रीज में, और ये हैजार्ड लाइन ड्रा की जाती है काफ़ी सारी जगहों पर हाई टाइड लाइन के पास ही और काफ़ी सारी जगहों पर थोड़ा सा दूर, ये कंसीडर करते हुए कि कोस्टल इरोजन कितना हो रहा है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की वजह से इकोलॉजी पे कैसे प्रभाव पड़ रहा है, कौन सा एरिया ज़्यादा वल्नरेबल है, तो जगह के नेचर के हिसाब से ये हैजार्ड लाइन डिमार्केट की जाती है, ताकि डिजास्टर अगर कोई आता है इस एरिया में तो उससे ज़्यादा नुकसान ना हो, ये सब चीज़ें देखते हुए हैजार्ड लाइन ड्रा की जाती है। हमारे देश में भी सरकार ने कहा था पहले
कि हजार्ड लाइन हम ड्रा करेंगे और पब्लिक कंसल्टेशन भी इसके लिए की थी, लेकिन 2018 के इन कोस्टल रेगुलेशन जोन रूल्स में हजार्ड लाइन का कोई मेंशन नहीं देखने को मिलता है। कहा यह भी जाता है, देखो आईपीसीसी की जो स्पेशल रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें यह बताया गया था कि अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता है तो धरती पर क्या हो सकता है, किस प्रकार से इसका असर देखने को मिलेगा, तो उस रिपोर्ट में कहा गया था इंडिया बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। इंडिया वैसे तो बहुत आरोप लगाता है वेस्टर्न कंट्रीज पे, खास करके यूएसए पे, सऊदी अरेबिया पे, कि आप इस रिपोर्ट पे ध्यान नहीं दे रहे हो। तो कहा यह जाता है एक्टिविस्ट के द्वारा, इंडिया अपने देश में तो उस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए रूल्स नहीं बना रहा है जो उसे बनाने चाहिए, और दूसरे देशों पर आरोप लगाने से क्या फ़ायदा। नेक्स्ट कंसर्न देखो ये व्यक्त किया जाता है, टूरिज्म फैसिलिटीज, रियल एस्टेट की एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जो अलाउ की गई हैं, इससे कोस्टल इकोलॉजी पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा, और ये एक्टिविटीज अलाउ की गई हैं इसके लिए स्ट्रॉन्ग इन्वायरमेंट सेफगार्ड्स का ध्यान भी नहीं रखा गया है। नेक्स्ट कंसर्न, बीच लाइटिंग जो अलाउ की गई है इससे मरीन एनिमल्स पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट कंसर्न, कोस्टल रेगुलेशन जोन थर्ड में जो नो डेवलपमेंट जोन का एरिया कम किया गया है वो एरिया बाढ़ के चपेटे में आ सकता है आने वाले समय में। नेक्स्ट, लोकल कमिटीज़, फॉर एग्जांपल फिशरमैन के इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखा गया है, बहुत से फिशरमैन डिस्प्लेस हो जाएंगे, उनको उस एरिया से किसी दूसरे एरिया में जाना पड़ेगा डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की वजह से। सबसे लास्ट पॉइंट, कस्टमरी लैंड यूज़ और ट्रेडिशनल जो लैंड राइट्स हैं वो भी प्रभावित हो सकते हैं इन कोस्टल रेगुलेशन जोन रूल्स 2018 की वजह से। तो इस प्रकार से हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया कोस्टल रेगुलेशन जोन रूल्स 2018 के बारे में। अब आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो अगर यूपीएससी के द्वारा पूछा जाता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल वाटर स्कैरिस्टी से संबंधित है, आप जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? कंटेस्ट देखो ये है, आईएमडी यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डेटा के अनुसार पिछले साल मानसून में रेन ठीक ठाक हुई, 10% डेफिसिट रहा मानसून की बारिश में, लेकिन इतना कम नहीं, मानसून के बाद जो बारिश होती है पोस्ट मानसून रेनफॉल, अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच की बारिश की हम बात कर रहे हैं, इस बारिश में 44% का डेफिसिट देखने को मिला जो कि बहुत ही ज़्यादा है, और कई कई एरियाज में फॉर एग्जांपल मराठवाड़ा में पोस्ट मानसून रेनफॉल में डेफिसिट देखने को मिला 84% और विदर्भ में पोस्ट मानसून रेनफॉल में डेफिसिट देखने को मिला 88%। और देखो इस साल अगर मानसून अच्छा नहीं आता है तो पूरे देश में सूखा आ जाएगा, ना सिर्फ गांव में बल्कि शहरों में भी पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपना डेटा सौंप दिया है, लेकिन विभिन्न राज्यों के जो सरकारें हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के इस डेटा पर ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं, सबका जो फोकस है वो इलेक्शन पर है, तो अप्रैल मई जून ये जो एरिया है, ये जो टाइम है वो देश के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट साबित हो सकता है। राइटर कहते हैं हमारे वर्षों की पानी से संबंधित जो पॉलिसीज़ हैं वो जिम्मेदार हैं इस सिचुएशन के पीछे। हमेशा से हमारी पॉलिसीज़ रही हैं कि अमीर से गरीब से लेके पानी अमीर को दिया जाए, रूरल एरिया से लेके पानी दिया जाए अर्बन एरियाज़ को, और अर्बन एरिया के जो लोग हैं वो पानी की स्कैरिस्टी के बारे में समझते नहीं हैं, उन्हें तो उनमें हाहाकार मच जाता है जब एसी नहीं चलता या फिर लाइट नहीं आती, वो पानी की इम्पोर्टेंस के बारे में समझते नहीं हैं, जबकि रूरल एरियाज़ में जो लोग हैं उनको पता है कि पानी की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। एक्वीफायर्स हमारे देश में सूख रहे हैं, नदियों में पानी सूख रहा है, लेकिन सरकार ने उचित कदम उठाए नहीं हैं पिछले कुछ सालों में इस सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए। तो होगा क्या, 2019 में जो भी नया प्रधानमंत्री बनेगा वो स्पेशल कमीशन का गठन कर देगा, जैसे फार्मर्स की समस्याओं को एड्रेस करने के लिए 2005-2006 में स्पेशली कमीशन का गठन किया गया था फार्मर्स के लिए एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में। तो हो सकता है अभी भी वाटर एक्सपर्ट की अध्यक्षता में कोई कमीशन का गठन किया जाए, उसको एक महीना दिया जाएगा और एक्सपेक्ट किया जाएगा कि हाँ भाई बताओ क्या किया जा सकता है। अरे उस समय तक आप इंतज़ार करो, उससे अच्छा अभी क्यों नहीं आप स्टेप लेना स्टार्ट कर देते हो। लेकिन वही बात है, हिम्मत होनी चाहिए सरकार को ये बताने की
कि फार्मर्स को कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा बुरे होने वाली है, आप पानी कम यूज़ कीजिए। इलेक्शन के टाइम में ये सब चीज़ें कौन बताएगा किसानों को? नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर कौन रखेगा? कोई नहीं रखेगा। तो इस प्रकार से सरकेजम भरी बातें की जाती हैं राइटर के द्वारा। अब नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिए, कोस्टल सिटीज़ में फ्लड्स के बारे में है क्वेश्चन, जीएस पेपर 3 में भी पूछा जा सकता है, जीएस पेपर 4 में भी पूछा जा सकता है। व्हाट आर द काजेज ऑफ फ्लड्स इन कोस्टल सिटीज़? कोस्टल सिटीज़ में फ्लड आने के क्या कारण हैं? व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन टू प्रिवेंट द ऑकरेंस ऑफ सच फेनोमेनन? क्या स्टेप्स उठाने चाहिए इस प्रकार के फेनोमेनन को होने से रोकने के लिए? दो पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, बताओ कैसे शुरुआत करोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे? सीधा शुरुआत मत कीजिएगा, ऐसा नहीं कि सीधा आप रीजंस के बारे में लिखना स्टार्ट कर दो। दो तीन लाइनें इंट्रोडक्शन में जरूर दीजिए। सिंपल आप बता सकते हो कि इंडिया की कोस्ट लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी है और काफ़ी सारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं लेंथी कोस्ट लाइन की वजह से, और बहुत सारे रिस्क भी हैं। उनमें से एक रिस्क है फ्लडिंग, यानी बाढ़ का आना कोस्टल सिटीज़ में। अब आप स्टार्ट कर सकते हो काजेज़ के बारे में, यानी कोस्टल सिटीज़ में बाढ़ क्यों आती है, तो बताइए कोस्टल सिटीज़ में बाढ़ क्यों आती है। पहला रीज़न तो देखो सबसे बेसिक है, कोस्टल सिटीज़ में रेन ज़्यादा आती है, इसी वजह से बाढ़ का खतरा भी ज़्यादा होता है कोस्टल सिटीज़ में। दूसरा, प्लान तरीके से कंस्ट्रक्शन नहीं होता कोस्टल सिटीज़ में, अनप्लान कंस्ट्रक्शन होता है बहुत ज़्यादा, तो पानी का ड्रेनेज अच्छे से नहीं होता। जैसे चेन्नई में फ्लड्स आई थी, तो उस समय क्या हुआ था, प्लान कंस्ट्रक्शन नहीं था और जो वाटर चैनल्स थे वो ब्लॉक थे, वेस्ट मटेरियल की वजह से ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था। तो इसको आप वैसे अलग से तीसरे पॉइंट में भी लिख सकते हो। चौथा पॉइंट, वेटलैंड में इंक्रोचमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। पांचवा पॉइंट, फार्मर्स फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करते हैं, इस वजह से वाटर लॉगिंग हो जाती है, यानी पानी इकट्ठा हो जाता है और बाद में वो बाढ़ की शक्ल ले लेता है। नेक्स्ट पॉइंट, कई सारी जो सिटीज़ हैं वो देखो लो डेल्टा रीजन्स में आती हैं, इस वजह से भी बाढ़ ज़्यादा आती है, और काफ़ी सारे सिटीज़ में पेड़ों को बहुत बड़े स्केल पे काटा हुआ है, तो डीफॉरेस्टेशन की वजह से सोइल इरोजन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से बाढ़ आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, आप साइक्लोन्स के बारे में लिख सकते हो, साइक्लोन काफ़ी ज़्यादा आते हैं कोस्टल सिटीज़ में, जिसकी वजह से बाढ़ आ जाती है। तो ये सब रीजन्स आप लिख सकते हो क्यों कोस्टल सिटीज़ में बाढ़ ज़्यादा आती है। अब देखो, एक बार रीजन्स आपको पता हो तो उपाय तो आप लिख ही सकते हो, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा होता है। तो आप बताइए, सोचिए कि आप डीएम हो, क्या उपाय आप करोगे कोस्टल सिटीज़ में बाढ़ को प्रिवेंट करने के लिए। सबसे बेसिक उपाय जो आपके मन में आएगा कि प्लान रूप से डेवलपमेंट आप इंश्योर करोगे, आप ये इंश्योर करोगे जो ड्रेनेज चैनल्स हैं वो ब्लॉक ना हों। बारिश जब ज़्यादा आती है तो वहाँ से पानी की निकासी अच्छे से हो सके, आप ये इंश्योर करोगे। आप ये इंश्योर करोगे म्यूनसिपल वेस्ट का जो मैनेजमेंट है वो अच्छे से हो। अगर म्यूनसिपल वेस्ट का मैनेजमेंट अच्छे से होगा तो सीवरेज में या फिर नालों में वेस्ट जाएगा नहीं, और ये जो नाले हैं या फिर सीवरेज हैं वो ब्लॉक होंगे नहीं। इसके अलावा देखो, अलग से रिजर्व इस्टाब्लिश किए जा सकते हैं जहाँ पे फ्लड का पानी इकट्ठा किया जा सके, मतलब ड्रेनेज अच्छा हो और फ्लड का जो पानी है वो एक जगह इकट्ठा हो जाए, इस प्रकार का सिस्टम आप बना सकते हो। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अगर पॉसिबल है तो वो भी की जा सकती है। वेटलैंड्स पे जो इंक्रोचमेंट होता है उसको रोकने के लिए उपाय किए जा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के अप्रूवल के लिए रूल्स और ज़्यादा स्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं वेटलैंड्स के नज़दीक, ताकि वेटलैंड्स का एंक्रोचमेंट ना हो और बाढ़ ज़्यादा ना आए। तो ये सारे स्टेप्स आप उठा सकते हो। कंक्लूजन बताओ क्या लिखोगे? कंक्लूजन में आप लिख सकते हो, सरकार को देखो ये इंश्योर करना होगा ना सिर्फ हमारी कोस्टल सिटीज़ बल्कि दूसरी सिटीज़ भी क्लाइमेट रेजिलियंट हों, यानी अगर बाढ़ आती है तो हम पूरी तरह से तैयार हों उस बाढ़ को कंट्रोल करने में और रिस्क को कम से कम करने में। तो ये क्वेश्चन हमने देखा जीएस पेपर 3 या फिर जीएस पेपर 1 का, दोनों पेपर्स में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। तो आज हमने दो इश्यूज डिस्कस किए, एक वाटर स्कैरिटी से संबंधित, दूसरा कोस्टल रेगुलेशन जोन से संबंधित। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।